क्या 59 की उम्र में तीसरी शादी करेंगे आमिर खान? क्या तलाक के 3 साल बाद नई बेगम लाने को एक्टर हुए तैयार? 26 साल छोटी यंग एक्ट्रेस संग जुड़ा था नाम, तो क्या बेटे की शादी की उम्र में नई बेगम लाएंगे आमिर खान? जी हाँ, दूसरी बीवी किरण राव से तलाक के 3 साल बाद आमिर खान ने दिया है उन सवालों का जवाब जो लंबे वक्त से एक्टर से पूछे जा रहे थे, और सोशल मीडिया पर एक्टर को ट्रोलिंग भी झेलनी पड़ती थी। अब खुद इन तीखे सवालों का जवाब देकर आमिर खान ने अपना पक्ष रखा है। दरअसल हाल ही में आमिर खान बॉलीवुड एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती के पॉडकास्ट शो में मेहमान बनकर पहुंचे थे। इस दौरान रिया ने आमिर से उनकी फिल्मों से ब्रेक लेने के फैसले से लेकर उनकी निजी जिंदगी को लेकर भी कई सवाल पूछे, जिनका जवाब आमिर ने पूरी बेबाकी के साथ दिया। इसी दौरान रिया ने आमिर से उनकी तीसरी शादी को लेकर भी सवाल किया कि क्या वो दोबारा शादी करेंगे, जिसके जवाब में एक्टर ने कहा कि मैं अब 59 का हो गया हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं अब दोबारा शादी कर पाऊंगा। मुश्किल लग रहा है मुझे, इस वक्त इतने रिश्ते हैं मेरी जिंदगी में। मैं फिर एक बार अपने परिवार से जुड़ गया हूँ, मेरे बच्चे हैं, भाई हैं और बहनें हैं। मैं उन लोगों के साथ खुश हूँ जो मेरे करीब हैं। मैं एक बेहतर इंसान बनने की तरफ काम कर रहा हूँ। बता दें कि कुछ साल पहले आमिर खान का नाम उम्र में उनसे 26 साल छोटी एक्ट्रेस फातिमा सना शेख के साथ जुड़ा था। साल 2016 में फातिमा ने आमिर खान के साथ फिल्म दंगल में काम किया था। इस फिल्म में फातिमा ने एक्टर की बेटी का रोल प्ले किया था। आमिर के साथ दंगल के बाद फातिमा उनके साथ फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में भी नजर आई थी। दोनों फिल्मों में काम करने के बाद इन दोनों की रोमांस की खबरें फैली थी। काम करते करते दोनों के बीच लिंकअप की अफवाहें फैलने लगी थी। खबरों की माने तो दंगल फिल्म की शूटिंग के समय से ही दोनों के बीच कुछ चल रहा था। उस दौरान से ही बी टाउन के गलियारों में आमिर खान और फातिमा सना शेख के बीच अफेयर की खबरें भी उड़ने लगी थी। वहीं आमिर खान के परिवार के साथ फातिमा की नजदीकियां भी किसी से छिपी नहीं रही हैं। आमिर के परिवार के हर फंक्शन में फातिमा हिस्सा बनी नजर आती थी, जिसके बाद तो आमिर और फातिमा के रिश्ते को लेकर अफवाहों का बाजार हमेशा ही गरमाया रहता था। वहीं जून 2021 में जब आमिर खान ने किरण राव के साथ अपने तलाक का ऐलान किया था, तब तो इस तलाक का जिम्मेदार फातिमा को ही ठहराया गया था। कुछ रिपोर्ट्स में तो ये भी दावा कर दिया गया था कि आमिर फातिमा के साथ तीसरी शादी करने वाले हैं, हालांकि ये खबरें अफवाहें ही साबित हुईं। आमिर खान की निजी जिंदगी की बात करें तो एक्टर अपनी दोनों एक्स वाइफ रीना दत्ता और किरण राव के साथ दोस्ती का रिश्ता रखते हैं। इसी साल आमिर ससुर बने हैं। जनवरी में आमिर की बेटी आयरा खान ने मंगेतर नूपुर के साथ शादी की थी, तो वहीं आमिर के बेटे जुनैद फिल्म महाराज से एक्टिंग फील्ड में डेब्यू भी कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट E24।